रीसेंट डेज़ के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर से यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ाज डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स के अप्रूव्ड हुए हैं, जिनकी हमने सक्सेसफुल स्टोरी अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो हमारे ऑफिस रेगुलरली विज़िट करते हैं या इन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब लोग इस वीडियो को गौर से सुने। आज की ये जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जो भी लोग इन कंट्रीज़ का या दुनिया के किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और इसके साथ आपसे मैं एक स्टोरी भी शेयर कर लेता हूँ कि हमारे ऑफिस में रेगुलरली बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं जो वीज़ाज तो अप्लाई करना चाहते हैं बट उनकी उन्होंने रीसेंट डेज़ के अंदर अपने वीज़ा के लिए कोई प्लानिंग नहीं की होती और बिल्कुल भी फ्रेश होते हैं, तो हम लोग प्रॉपर उनको गाइडलाइन देते हैं, 4 मंथ का 6 मंथ का प्रॉपर उनको ट्रैवल हिस्ट्री का प्लान देते हैं, डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देते हैं। हमारे पूरे ग्रुप्स जा रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें थाईलैंड है, इजिप्ट है, टर्की है, आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, साउथ अफ्रीका है, डिफरेंट कंट्रीज़ के स्मॉल कंट्रीज़ का हम लोग टूरिस्ट प्लान बना के देते हैं, ग्रुप्स के साथ उनको अटैच करते हैं। जब कोई भी एप्लीकेंट 4 से 5 कंट्रीज़ का ट्रैवल हिस्ट्री उसकी हो जाती है, वो वहाँ से होकर वापस आ जाता है, तो फिर उसका हम जब किसी भी यूरोप सेक्टर्स का या अदर कंट्रीज़ का जब हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अप्रूवल की के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के कोई भी कंट्री आपको वीज़ा इतनी आसानी के साथ नहीं देता। हाँ, बाज़ुकात अगर रेशों की मैं बात करूँ तो अगर 100 एप्लीकेशंस डलती हैं तो 100 out of 100 2 या 3 एप्लीकेशंस रेंडमली अगर अप्रूव्ड हो जाती हैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, तो मतलब ये कोई बहुत अच्छी सक्सेसफुल रेशो नहीं है। तो वो तमाम व्यूवर्स जो भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने वीज़ा को प्रॉपर प्लान कीजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगी कि आप किस तरह से इन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आप वो वाली वीडियोस या वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर के फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, मैंने आपको एक जनरल सी बात बता दी कि आउट ऑफ 100 अगर 2 या 3 एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी रेशो नहीं है। वो उसके और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनको जानना ज़रूरी है और ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर प्लान कीजिए। किसी भी वीज़ा ऑफिसर के पास जब आपकी एक फाइल जाती है तो वो आपकी हर चीज़ को प्रॉपर एनालाइज़ करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी जिस कंट्री ऑफ रेजिडेंट से बिलोंगिंग्स देखी जाती हैं आपकी, और बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी ख्याल है कि हम कुछ फंड्स बैंक स्टेटमेंट में डाल देंगे और हम बैंक स्टेटमेंट निकाल के वो सबमिट कर देंगे एम्बेसी के अंदर। सब लोगों के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों है। किसी भी वीज़ा ऑफिसर के पास जब आपकी प्रोफाइल जाती है तो वो आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट को प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि होल 6 मंथ के अंदर आपने कंटिन्यूसली कितनी सेविंग्स की हैं और अब आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और क्या आपका जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो आपके फंड्स इनफ फंड्स अवेलेबल हैं उस ट्रिप को मैनेज करने के लिए। तो ये और भी इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप सबसे शेयर करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप सब लोगों को शेयर किए हैं। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को प्लान कीजिए, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, और स्मॉल कंट्रीज़ का लेस देन 1000 के अंदर डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके स्टिकर वीज़ाज अवेलेबल हैं, हम आपको वो करवा के देंगे। हमारे ग्रुप के साथ आप रेगुलरली ट्रैवल कीजिए और 4-6 मंथ का प्लान कीजिए, और उसके बाद जिस कंट्रीज़ का भी आप वीज़ा आपकी ख्वाहिश होगी वो वीज़ा हमारी टीम उसको प्रोसेस करेगी, बट अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को प्रॉपर प्लान कीजिए। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो जेन्युइन और ओरिजिनल मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।